कौसा इमारत के टेरेस पर रखा सामान चुराता लड़का हुआ सीसीटीवी में कैद। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा बीट जो है बिल्कुल ठीक उसके पहले ज्वेलर्सों की दुकान वाली एक इमारत है। इस इमारत के टेरेस पर एक होटल व्यवसायी है चरनीपाड़ा में व्यवसाय करने वाले वसीम शेख, इन्होंने अपना कुछ सामान रखा था। यह सामान 8 जनवरी को चोरी हो गया। कैसे चोरी हो गया उसका सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, एक लड़का इसको चुराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस चोरी को लेकर के क्या कहा पीड़ित वसीम शेख ने, सुनिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख मोहम्मद वसीम मोहम्मद कासिम। अच्छा वसीम भाई क्या हादसा हुआ है आपके साथ? एक्चुअली क्या हुआ, मेरा एक क्लाउड 9 चाइनीज़ के नाम से दुकान है चन्नीपाड़ा पे, अभी रिसेंटली ओपन किया हूँ, उसका 29 तारीख को ओपनिंग हुआ है। हाँ तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था होटल का, तो मेरा टेरिस फ्लैट है तो मैंने बाहर इस्तेमाल का जो नई सामान था वो रख दिया था। अब नया ही सामान था, हालांकि स्टील का थाला, जर्मन का थाला, कढ़ाई वगैरह, डब्बू, चम्मच, मिक्सर, पानी की टाँकी और बहुत सारा कुछ सामान था। उसका दोपहर में जब मैं खाना खाने के लिए आया था तो सब कुछ नॉर्मल था। अभी खाना खाने के बाद मैं 4:30-4 बजे चला गया, मेरे को 7 बजे मेरी वाइफ का फ़ोन आया, बोले भाई ऊपर सामान नहीं है सब। तो मैं बोला क्या सामान नहीं है, बोले कोई लगता आया था ऊपर और सब सामान लेके गया। मैं बोला क्या क्या नहीं है ज़रा एक बार चेक करके बता मेरे को, बोले स्टील का थाला नहीं है, जर्मन का थाला नहीं है, डब्बू नहीं है। तकरीबन कितने रुपये का सामान था? तकरीबन 4,000-5,000 रुपये का सामान था भाई। अच्छा ये जहाँ से आप बोल रहे कि चोरी हुई, ये जगह का नाम क्या है और कहाँ पर आती है? ये एक्चुअली आती है अपना अल अजवा, जो अपना क्या बोलते हैं सागर पैलेस के जस्ट कौसा में, कौसा जो जामा मस्जिद के पास एक सागर बिल्डिंग है गायकवाड़ साहब की। हाँ उन्हीं की है, ऊपर टेरिस फ्लैट पे रहता हूँ। अच्छा टेरिस फ्लैट पे आप रहते हो, तो घर के अंदर से चोरी हुई? नहीं नहीं टेरिस पे मतलब मेरे जो दीवार है ना अपना उसकी दरवाजे की, उससे ही अटैच करके सब सामान रखा हुआ था। वहाँ पे किसी की नज़र भी नहीं आती, कोई आता भी नहीं होता। टेरिस फ्लैट इसलिए कोई नहीं आता? हाँ कोई जल्दी आता नहीं, मैं लॉक करके रखता था, मगर अभी 2-4 दिन से लॉक नहीं कर रहा हूँ कि चहल पहल रहती है, आना जाना चालू रहता है। सागर बिल्डिंग नाम है ये बिल्डिंग, सागर बिल्डिंग, ये कौसा में आती है, कौसा बीट से पहला, कौसा बीट से पहले आती है, नीचे सब ज्वेलर्स की दुकान है। अच्छा तो कितने कितने मतलब कितने रुपए का सामान था ये? तकरीबन बोला ना तकरीबन 4,000-5,000 रुपए का सामान था भाई। 4,000-5,000 का? कितने टाइम में, कब चोरी हुई है ये? ये शाम के टाइम पे चोरी हुई, दोपहर में भी नहीं, सुबह में नहीं, रात में नहीं, मतलब कल शाम में, कल कल शाम में 8 तारीख को, 8 तारीख की शाम में, शाम में चोरी हुई 4 से 5 बजे के आसपास, 5 से 7 के बीच में चोरी। उसका वीडियो अपना मैंने निकाला, सीसीटीवी वगैरह भी है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह है। 11 साल का बच्चा है, कुछ 11-12 साल का बच्चा। अच्छा मगर मेरे को जहाँ तक ऐसा डाउट है कि इसके पीछे कोई बड़ा आते भाई। अच्छा तो बच्चा अपनी मर्जी से ये सब नहीं करेगा। हाँ किसी ने उसको टिपिंग दिया होगा कि बेटा हम लोग नीचे खड़े रहते, ऊपर से सामान ला ला के दे और यहाँ से हम लोग निकाल लेते। अच्छा नीचे कहीं सीसीटीवी वगैरह लगा आपने चेक किए? नहीं नीचे नहीं है, एक माले पे बिल्डिंग के एक माले पे लगा है, गायकवाड़ साहब है उनके रूम में लगा हुआ है, तो उसी से मैंने फुटेज निकाला। अच्छा मतलब वही फुटेज है बस। तो आपने वो जो बच्चा है जो सामान लेके जा रहा है आपका, इसको कहीं आपने देखा है ऐसा कुछ कहीं? नहीं इससे पहले तो नहीं देखा, बाकी ये फ्रूट्स वाले बोल रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे आता जाता है, उन लोग ने देखे। अच्छा फ्रूट्स वाले जो लाइन से जो ठेली वेली लगाते हैं लोग, हाँ इन लोग जो लाइन से लगाते हैं ना, इनको हाँ। तो मालूम है कि बच्चा आता जाता है यहाँ। अच्छा अच्छा तो आपने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई? नहीं अभी नहीं करवाई, मेरे को बोले कि पहले आप इंक्वायरी करो, फिर बाद में बोले हम लोग जाँच करेंगे, वो कॉपरेट करते हैं पुलिस वाले बेचारे। हाँ तो मेरे को बोले डीटीपी करके अपना वीडियो वगैरह दो उसको, जो आपकी सीसीटीवी है उसका डीटीपी कराने, हाँ उसका डीटीपी कराने, क्लियर कराने के लिए, फेस क्लियर हो गया, फुटेज एकदम क्लियर आएगा तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि किधर का कौन है। अच्छा कौन है क्या है? मैंने पूछा फ्रूट वाले से, तो बोल रहे थे कि अमृत नगर का बच्चा ही चाहिए, अमृत नगर का, अमृत नगर का बता रहे, दरगाह गली का अमृत नगर का बच्चा, आउट है सर, क्लियर नहीं है, अमृत नगर का बता रहे। ठीक है।